ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम उमापति सर आपको पढ़ा रहे हैं टेली क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी में आप लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी सर्विसेज, कैसे हम अपने स्टेट के अंदर सर्विस निकाल लेंगे। जीएसटी सर्विस हमारा एग्जाम्पल है, आप लोग समझा चुके हैं इसी का प्रोसेस करना है। यहाँ प्रोसेस लिखा गया है, इसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं टेली स्टार्ट करते हैं। टेली स्टार्ट हो गया है, हम स्टार्ट कंपनी करके क्रिएट कंपनी करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है एग्जाम्पल के हिसाब से कृष्णा इंटरप्राइज, यहाँ देख लेंगे हमारी कंपनी का नाम है कृष्णा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज कंपनी बन गया उत्तर प्रदेश, एक्सेप्ट कंपनी बन गया किसान इंटरप्राइज नाम से। अब यहाँ पर लेबर कर लेंगे, यहाँ जाएंगे स्टेट एंड टैक्सेशन पे, यहाँ से जीएसटी एस कर लेंगे, सेटल्ड वाला भी एस करेंगे ऑप्शन। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ रेगुलर ले करके अगर आपको जीएसटी नंबर पता है डाल देंगे। करके इसे बताया था आप लोगों को, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब जानना पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी में अब पैक करेंगे, पैक करके आएंगे अकाउंट को पहले बनाने के लिए। पहला बनेगा सेल्स, मेंटेनेंस, सर्विस, इसको सेल्स अकाउंट में इन्वेंट्री एस कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल। यहाँ पर सेल्टर जी एस टी को आप यस करेंगे, ये बॉक्स आएगा, मेंटेनेंस एस से नंबर अगर डाल देंगे छोड़ देंगे कोई बात नहीं। यहाँ ले लेंगे आप सेल्स टैक्सेबल, यहाँ दे देंगे 18% नौना बढ़ जाएगा सर। यहाँ ले लेंगे आप ध्यान देना है टाइप ऑफ सप्लायर में आपकी बार हो जाएगा सर्विस, गुड्स वाला हो चुका है सर्विस वाला सर्विस देना। और अब बनाएंगे प्री एजेंसी, फिर जाएगा सेंट्री डेप्टर, बिल नंबर डाल आप यस कर लेंगे, नंबर रखेंगे पीटा एजेंसी कहाँ का एग्जाम्पल में देख लेंगे, चांदा का है, चांदा उत्तर प्रदेश, प्राइस 40-90। अब यहाँ पे अगर पैन नंबर वगैरह को डाल देंगे, यहाँ पे अब लेंगे कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। और अपना आएंगे सी जी एस टी का डिवीजन टैक्सेस में, यहाँ जी एस टी ले लेंगे या सेंसिटर ले लेंगे 9%। अलग बनाएंगे यहाँ जी एस टी का, यहाँ पर लेंगे टैक्सेस, यहाँ जी एस टी ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे स्टेट टैक्स 9%, ऐसे ले लेंगे। अलग बनाएंगे एस बी आई का बैंक अकाउंट में देखना है तो बैक करके देख लेंगे डिस्प्ले से, कैश का प्रोफाइल ऐसे बना रहता है। हमने सी जी एस टी एस जी एस टी बनाया है, पी जी एस टी बनाया है, सर्विस बनाया है, एस बी आई बनाया है, बन गया हमारा। एंट्री करने के लिए चलेंगे हम बैक करके अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ हम एंट्री करेंगे सबसे पहले पहला स्टेप सेल्स वाउचर में। यहाँ देख रहे हैं हमारा नेम आइटम आइटम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अकाउंटिंग एडवाइस अल्टाई कर लेंगे, चेंज हो गया यहाँ पे, इंटर करेंगे पार्टी का नाम प्री एजेंसी, इंटर करके आगे बढ़ेंगे, ये सब एड्रेस वगैरह पड़ चुका है, इंटर करेंगे स्पेस करेंगे, यहाँ ले लेंगे सेल्स मेंटेनेंस सर्विस, अमाउंट कितना है यहाँ देख लेंगे, अमाउंट जो 60,000 रुपये है,
एंटर करेंगे, स्पेस करेंगे, सी जी एस टी ले लेंगे, निकल गया, एंटर करेंगे, स्पेस करेंगे, जी एस टी करेंगे। देखिए सब निकल चुका है, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर करेंगे, एंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्टेप नंबर टू में आ जाएंगे, हमको बिल लेना है, रिसीव वाउचर में आएंगे। अब सिक्स किससे लेना है, फ्री एजेंसी से कितना लेना है, सब जोड़ टोटल ये देखिए ग्राहक बैलेंस में अमाउंट है, इसी डाल देंगे 69620 इंटर। कोई भी रिफरेंस लेकर के आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे, या कैश ले लेंगे, यहाँ जीरो जाने से कर बैलेंस, यहाँ पे हमारे में आ जाने चाहिए कैश, कि हमारे पास हमको बिल प्राप्त हो गया। अब जो है हम पेमेंट करेंगे, या देख लेंगे हमारा टैक्स अमाउंट निकला कितना, बैलेंस शीट में आएंगे, डिटेल करेंगे, यहाँ देख लेंगे हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो है दोनों जोड़ के आ गया है, सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों जोड़ के आ गया, इतना बना है। अभी हम पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा, और देखना है तो डिस्प्ले आ करके एच डी रिपोर्ट जी एस टी आर थ्री यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है 69,000 रुपये, और टैक्स है जो निकला है। अब जो हम अकाउंटिंग बचे आएंगे पेमेंट करने के लिए, पेमेंट में आएंगे, यहाँ से स्टार्ट पेमेंट करेंगे, आर टी एस जी एस टी, यहाँ 1421 से एक महीने जमा करना है तो 1521 जितना जमा करना होगा, एक महीने दो महीने तीन महीने यहाँ डाल देंगे, एंट्री करेंगे, रेगुलर ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे सी जी एस टी कितना, सी जी एस टी यहाँ देख लेंगे 53,000, एंटर, यहाँ डी दाब एंटर करेंगे, यहाँ ले लेंगे जी एस टी, इसका भी अमाउंट वही है 53,000, यहाँ ले लेंगे सी आर में एस बी आई, यहाँ 00 जाना चाहिए और यहाँ पे रेड जाना चाहिए, मतलब अब पेमेंट हो जाएगा, चेक ले करके एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। अब चल के देखेंगे बैलेंस शीट में डिटेल करके, यहाँ देखिए ड्यूटी टैक्स से कट चुका है, मतलब टैक्स जमा हो चुका है, तो इस प्रकार से आपका जी एस टी सर्विस निकल चुका है। अगर आपको प्रिंट करना है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अपने कीबोर्ड से पेजअप करके देख सकते हैं, पेजअप करेंगे तो इसे दिखाई देगा सब बारी बारी, या यहाँ सही समझ में आ रहा है तो आप डिस्प्ले पे आइए, डेबिट में आइए, अब यहाँ से एक साथ तीनों देख सकते हैं, और देखना डिटेल कर लीजिए, डिटेल्स देख सकते हैं, जिसको प्रिंट करना है मारो सेल वाला प्रिंट करना, सेल पे आ जाइए, इंटर करिए खुल जाएगा, यहाँ पे करिए इंटर करिए, अप्लाई करिए, ये हमारे कंपनी का नाम, हमारा जी एस टी नंबर, जी एस टी उत्तर प्रदेश कोड, ये खरीदने वाले का नाम जिसको हमने सर्विस दिया था, डेट हो गया, ये हमारा क्या दिया था हमने सर्विस, कौन सा सेल्स मैनेजर ने सर्विस दिया था, बिल इतना था, सी जी एस टी इतना, एस जी एस टी इतना, बराबर टोटल इतना हो गया। यहाँ भी देखिए आपका सेंट्रल जी एस टी और स्टेट जी एस टी निकल रहा है, बराबर अमाउंट कितना टैक्स क्या दे रहा है, टैक्स वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ देखिए शब्द में लिखा है, आपको यहाँ पे मोहर लगाना, सिग्नेचर करना, फिर दे देना, ले जाओ, ये रसीद आपका बन गया है, तो रसीद बनाने का तरीका है, तो आपका जी एस टी सर्विस इंट्रास्टेट का पूरा हो गया। हम पैसे अपने यूपी में कोई सर्विस देंगे और उसको निकालेंगे जी एस टी, ये हो गया। अगले वीडियो में आपको मिलेगा जी एस टी सर्विस का इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सर्विस अगर देंगे तो कैसे निकालेंगे आई जी एस टी, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए नए वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।